अरे क्या लगाया मुंह में? फैट? चलेगा नीचे पार्क में? चलेगा पार्क में? चलेगा अरे क्या देख रहा है सुबह सुबह उठ के? क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? भेज दे पापा को, वीडियो भेज दे तेरे, भेज दे पापा को, बोल। ऐसे बोलो। हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 10 और अभी हम जाएंगे कॉलेज, क्योंकि हमारे पास एक मैसेज आया था। मैंने एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई किया था और एड्रेस जो है मैंने बैंक का, वो अभी तक चेंज नहीं कराया था। और जैसे कि जानते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है तो एड्रेस वगैरह चेंज कराना या कोई चीज़ भी चेंज वगैरह कराना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अब मेरे पास जो एटीएम आ जाएंगे उससे आसानी से जो है हम अपना एड्रेस चेंज करा लेंगे। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है बैंक से रिलेटेड वो कॉलेज ही हमेशा आता है, तो आपको आज कॉलेज लेके चलेंगे। और आज जुम्मे के दिन है तो यार मैं बहुत पहले ही आज नहा लिया हूँ, तो ये देखो। तो अभी हम जाएंगे इनके साथ। तो अभी हम लोग कॉलेज जा रहे हैं जहाँ पे एटीएम कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट है लेना है। इसके बाद हम लोग बैंक जाएंगे कुछ देर के बाद, और आईसीआईसीआई बैंक जहाँ पे पीपीएफ अकाउंट जो है वो ओपन करानी है। तो आज फ्राइडे है और ऑफिस भी नहीं गया, तो ये कुछ काम है जिसे आज के दिन मुझे ये कर लेना है। और मैं पहुंच गया कॉलेज और यहाँ पे सिक्योरिटीज है जो कि फॉर्मेलिटी है कि आपको एंटर करना पड़ेगा कि क्यों यहाँ पे आए हैं, तो ये चीज़ एक छोटा सा फॉर्मेलिटी है जो करना पड़ता है। और देखो यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है और सिर्फ फैकल्टी वगैरह और कुछ सिक्योरिटीज गार्ड और यही बस दिख रहा है। तो जैसे कि जानते हैं हम सभी कि कॉलेज तो बंद है और सिर्फ ऑफिस ओपन है, तो चलो चलते हैं और जाके डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट करते हैं। और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो यही है डॉक्यूमेंट जिसे मुझे कलेक्ट करना था और ये मुझे मिल गया। और थोड़ा इंक्वायरी वगैरह भी होते हैं जैसे आधार कार्ड वगैरह चेक करना। और आप देख लो यहाँ पे ये कुछ ट्रैकिंग आईडी है जिसे मिलाया जाता है। तो इजीली कोई भी डॉक्यूमेंट किसी को यहाँ से नहीं मिलता है और कुछ प्रूफ वगैरह दिखाना पड़ता है। तो फाइनली मैंने डॉक्यूमेंट तो कलेक्ट कर लिया और ये देखो कॉलेज पूरा ग्रीन ग्रीन बना हुआ है, चारों तरफ पेड़ पौधे दिखेंगे आपको, बीच में पॉन्ड्स, बहुत अच्छा सीन लगता है गाइस। और अभी ये सब स्टाफ दिखेंगे जो स्वीपर वगैरह हैं, और वो अब बिल्डिंग जो देख रहे हैं वो मैनेजमेंट का बिल्डिंग है। और पास में ही आपको दिख रहा होगा बीटेक बिल्डिंग है जो बैक साइड में भी बहुत ज़्यादा है इसके बिल्डिंग वगैरह ब्रांचेज वगैरह, लेकिन ये फ्रंट आपको दिखा रहा मैं। और ये मेन एंट्रेंस है और जहाँ से फैकल्टीज और कोई जो विजिटर होते हैं वो एंट्री लेते हैं। बाकी वहाँ पे आप जो एंट्री देख रहे हो गेट, वहाँ पे स्टूडेंट के लिए सिर्फ एंट्री गेट है। तो कुछ इस तरह का सीन है। पार्किंग जहाँ पे फैकल्टीज विजिटर, और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा उस साइड में यहाँ पे है सब स्टूडेंट वगैरह का पार्किंग वगैरह। साइन वगैरह करना होगा तब मैं बाहर निकलूँगा। साइन करना पड़ेगा कहाँ पे? अच्छा तो सेकंड मैक्स नहीं आए तो क्यों है तो बीसीपी क्या चाहते हो? ये तो ठीक है 11:10 नाइटे। और ये वही सिक्योरिटीज गार्ड जो पहले थे नाइट होले कोड भी। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बदल गया है और कुछ चीज़ें जो है अभी तक नहीं बदला है। तो अच्छा लगता है यार फिर से कॉलेज आने के बाद। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ,
ये आप देखो, जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ बर्ड्स वगैरह दिखेंगे आपको। तो अच्छा था यार, सीन बहुत अच्छा लगता था, बीच में पॉन्ड्स, चारों तरफ से बिल्डिंग, तो मज़ा आता था यार कॉलेज में आने के बाद। गाइस मैं जो हूँ अपना, तो फाइनली गाइस मैं तो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह ले लिया, अब यहाँ से चलते हैं रूम और फिर थोड़ी देर बाद हम चलेंगे बैंक। तो चलो यार अब निकलते हैं। बताऊँ जब भी हम लोग, ये है कॉलेज, और जब भी कॉलेज के गेट से बाहर आते थे तो ये छोटे छोटे शॉप मिलते थे, उतने सामान मिल जाते थे जितने की ज़रूरत होते थे, जैसे जेरक्स वगैरह के शॉप, बुक्स वगैरह के, कुछ छोटा सा होटल वगैरह यहाँ पे। तो ये चीज़ आप देख रहे हो, उतना अच्छा नहीं था बाहर का सीन, लेकिन 2-3 किलोमीटर दूर जाने पे वो सब चीज़ें मिल जाती थी जो ज़रूरी की होती थी, लेकिन अर्जेंट वाली चीज़ जो जैसे जेरक्स वगैरह, बुक्स वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाते थे। तो कुछ इस तरह का बाहर का जो सीन है। अब देखो ये कॉलेज है और यही छोटा छोटा दुकान है, और यहाँ पे ये स्टेट हाईवे है। तो कुछ इस तरह का रहता था यार अपना लाइफ यहाँ कॉलेज में। कॉलेज में आने के बाद वो फिर से दिन याद आ जाती है। तो अभी हम चलते हैं, इस एटीएम का पिन जनरेट करना होगा हमको। सबसे पहले इसका पिन जनरेट करेंगे तभी इसका यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पास के SBI ATM के पास आ गए और अब पहले इसका पिन जनरेट कर लेते हैं। तो पिन जनरेशन रिक्वेस्ट जो था वो सक्सेसफुली हो गया, लेकिन अभी क्या होगा कि एक OTP कोड आएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, फिर मैं उस कोड को लेके जाऊंगा और वहाँ पे अपने ATM में फिर से स्टेट बैंक में उसे जाके चेंज कर पाऊँगा। तो ये प्रोसेस होता है, अगर आप भी नया ATM कार्ड मंगाते हो कभी, तो यही सब प्रोसेस है कि आपको एक बार बैंक ATM जाना होगा तभी जाके चीज़ें जो होता है। क्या बन रहा है? मटन। वाह, देखने से ही टेस्टी लग रहा था। माशाल्लाह, क्या बात है। बैंक के सामने है ये भाई रहता है, डग्गा मुन्ना। तो आया और देखा यहाँ टेस्टी मटन बन रहा है। तो भाई बिना खाए तो जाने वाले नहीं है, क्योंकि भाई इनके हाथ से खाने का मतलब एकदम बहुत टेस्टी, मजा आ जाएगा। घर लेकिन घर के जैसा नहीं, घर का तरह, घर भी नहीं, घर के जैसा तो नहीं, घर ये भी घर है। अच्छा, बहुत सी खाना मान लेते हैं, अब खा के बताएंगे कैसा टेस्टी है। ये मुन्ना भाई का वो किचन है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? बावर्ची खाना। बावर्ची खाना। तो ऐसा है कुछ, देखो यार यहाँ पे गैस वगैरह और नीचे कुछ काउंटर वगैरह है, तो अच्छा ही है, मतलब उतना बुरा भी नहीं है, है ना? घर घर है, घर घर है, हम लोग सब सोए रहे हैं, सब हो के किया, बड़ा बड़ा हस्ती। बड़ा बड़ा हस्ती है, सो के किया बस। तो आज जो है वो फ्राइडे है, तो हम लोग नमाज पढ़ेंगे साथ में, फिर खाना भी खाएंगे, और पूरा गोश्त का अंदर भर जाएगा। घर से निकल गए हैं और नमाज के लिए जा रहे हैं, और मेरे साथ भाई, ये भाई है, तो बहुत कम टाइम है यार, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया। ये देखो जहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ने आए हैं, मोहल्ले में जगह नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल से सब गाड़ी या साइकिल वगैरह पार्क किया गया है। अब यार जल्दी जल्दी चलते हैं, देखते हैं कि सही टाइम पहुँचे थे और हम लोग को नमाज़ मिल गई। मतलब अगर अगर हम लोग और 5 मिनट लेट करते तो शायद जमात नहीं। तो फाइनली मैसेज आ गया जो ATM पिन जनरेट करना था, तो जो मैसेज आना था वो तकरीबन 7 से 8 घंटा लग गए, लेकिन मैसेज डिलीवर हो गया। तो चलो यार अब चलते हैं ATM पिन जनरेट करने के लिए। तो पास में ही आपको दिख रहा होगा, कैंपस में ही SBI का जो ATM है, तो यहाँ पे हम करेंगे पिन को जनरेट। तो फाइनली यार पिन जनरेशन की प्रोसेस जो थी वो कंप्लीट हो गई, और न्यू पिन जो जनरेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म, फिर कल शुरू करेंगे नया ब्लॉग। यार तो फटाफट से कमेंट करके बताओ यार ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको।